आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ ठीक है छोटू, ये रैपर है, रैपर गिरा हुआ, इसको उठाओ। तो मैं खाली बैठी हूँ यहाँ, खा रही हूँ, रोटियाँ तोड़ रही हूँ मैं तो अपने ससुराल के। अभी शाम की 6 बज रहे हैं, मेरी बहू काट रही है सब्जी। दोस्तों मेरी ब्लॉग कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज है दिन बुधवार, सुबह के बज रहे हैं 9, तो वीडियो की शुरुआत हो गई है। और आज भी मौसम अच्छा हो रखा है काफ़ी, देखो बादल लगे हुए, हल्की सी धूप लगी हुई है और ठीक है, अच्छा हो गया मौसम। और दोस्तों आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गोप्रो भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, यूज़ नहीं होता था, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने कहा आज गोप्रो से शूट करते हैं। तो आप बताना फ़ोन से अच्छी क्वालिटी आ रही है कि गोप्रो से अच्छी आ रही है, तो उस हिसाब से हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज गोप्रो से आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी डैडी यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्या बना? दाल। दाल तो हमने सुबह चना की दाल घी, हमने सुबह ही दाल बना लेते हैं क्योंकि डैडी को ऑफिस जाना था। हाँ, तो फिर दिन में ना फिर चावल ही बनाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। और गोप्रो के एक प्रॉब्लम है, जब हम आप घर के अंदर आते हो ना तो इसको लाइटिंग चाहिए होती है, तब जाके ये आपको क्लियर दिखाता है, बाहर तो ठीक। तो रोज़ की तरह मम्मी भी लगी हुई है किचन में। और दोस्तों आज ये देखो, ये दाल बनाई है चने की और इसमें घिया डाला है, बाकी चाय बन रही है। सब्जी भी, सब्जी तो कल रात की पड़ी है, सब्जी तो डोका भरा पड़ा है। ये दोस्तों हमारी सब्जी कल रात की, कद्दू की। तो चलो अभी मुँह हाथ धोते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर ऑफिस भी है मेरा, तो ऑफिस का काम करते हैं। डैडी तो जाएंगे ऑफिस, हमारा तो हो गया नाश्ता भाई। चलो ऑफिस। तो दोस्तों ये हमारे काम वाली लगी है यहाँ पे और सही है, बढ़िया से सफाई करो। और आजकल मॉडर्न पोछे आ गए, देखो इसी में सब कुछ है, तो इजी हो जाता है हमारे काम वाले को काम करना। इधर आ जाए बेटा, ढंग से करो, ठीक है छोटू? ये रैपर है, रैपर गिरा हुआ, इसको उठाओ। शाबाश छोटू, छोटू यहाँ तो दिखाओ शकल, शकल तो दिखाओ। अपनी शकल साफ करते कभी पोछे से, है पोछा है अपनी शकल में मारा करो जरा, जब तो सोया होता ना तेरी शकल पे मारता हूँ तभी तो। ये देखो दोस्तों मॉडर्न पोछा, ये घुमाया, ये आजकल काफ़ी मॉडर्न पोछे आ गए भैया। बाकी ये नहाने जा रहे हैं और देखो कितने साल बाद नहा रहे हो। कितने साल बाद क्या? आप बताओ आप कितने साल। मैं रोज नहाता हूँ लेकिन शाम को नहीं नहाता। मेरा आदत है, मैं तो ऑफिस के खत्म होने के बाद ही नहाता हूँ मैं। तो चलो अभी करते हैं ऑफिस स्टार्ट। तो दोस्तों देखो मेरे पैर गंदे हैं, बन तो ये मेरे पैर साफ कर रहा पोछे से। शाबाश, पूरे साफ कर दियो, ठीक है। तो दोस्तों अभी नहा लिया है मैंने भी, और ना अभी 11 बजने वाले हैं पर अभी भी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। आज का हमारा नाश्ता बहुत लेट हो रहा है क्योंकि ना इनका ऑफिस हो जाता है 10 बजे से, और उठते ही पता कितने बजे हैं, मतलब वही 9 बजे तो उठ रहे हैं, तो फिर उसके बाद ना नाश्ता करने का टाइम ही नहीं लगता। फिर अभी ऑफिस का काम करने लग गए, देख रहे हैं यहाँ पे। तो सोते भी तो लेट हूँ, तो उठता सोता भी तो लेट हूँ। रात को पता है वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लग जाता है, अपलोड करो थंबनेल वो मतलब क्या डालना क्या डालना थंबनेल वगैरह, रात को एक एक डेढ़ बज जाता है मुझे वीडियो एडिट करने में, थंबनेल डालने वो करने में, उसके बाद सोता हूँ मैं। ऐसा लगता है। तो देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना, कि मतलब वीडियो बनानी है फिर उसको एडिट करने का और ज़्यादा रहता है, फिर वीडियो बनी नहीं बनी उतनी जितनी हमने डालनी है उसका भी प्रॉब्लम रहता है। तो फिर हम नाश्ता वास्ता करते हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं नाश्ता। और ये बहुत बोले थे कि एक उसमें नहीं खाते, कि आज मैं एक ही उसमें लाया हूँ, एक ही में खाएंगे, ठीक है खुश हो? अब मैंने खाऊंगी उसमें दाल भी मिला दी और उसको कद्दू की सब्जी भी मिला दी, मैंने खा दी तो ये कह रहा मतलब क्या खाता हूँ अब, मैंने इसमें कद्दू की सब्जी थी तो ऊपर से दाल भी डाल दी, तो क्या हो गया फिर? क्यों सही में यार, मैं सच बता रही हूँ, क्या खाते हो यार, मैंने खा दी ऐसे। तो जाने तो पेट में ही है, उसमें क्या होगा? पेट में क्या, इसका मतलब तो इसमें रोटी भी टुकड़े टुकड़े करके डाल दो ऐसे ही खा लो। तो क्या होगा, दाल और सब्जी मिक्स है उसमें? क्या मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से खाती हूं, ऑर्गेनाइज तरीके से। अगर चावल अलग दाल अलग, ये है मम्मी क्या कह रही है देखो, मैंने ना इसमें कद्दू की सब्जी और दाल भी डाल दी, कहते अच्छी, ऐसा कौन खाता है। मैं एक साथ बना लेते, सतनौन नहीं बनाते गांव में जो बाबू देने जाते हो जब गांव में वो हो गया तो सभी हमारे घर में खा लेते, मम्मी आज खा लेते ना हमारे घर में, तो
पेट में तो ये मैंने सुना है गढ़वाली लोग खाते हैं ऐसा। पेट में तो ये की चीज है मम्मी ने मेरा ही डालो किसके बेटे किसके हो एक ही डालो हमारा। तो हम 11 बजे कितने लेट हम नाश्ता कर रहे हैं आज। मम्मी नाश्ता करना भूल गई, पता है मम्मी क्या कह रही है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या भूल गई हूँ। अभी पता चल रहा है कि मैं नाश्ता करना भूल गई हूँ। मैंने कहा मेरे पेट में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तब बाद में ध्यान आया कि मैंने तो आज नाश्ता किया ही नहीं। तो हमने ये कद्दू की सब्जी हमारी कल रात की थी, हम लोगों ने कम ही खाया तो ऐसे बच गया था। तो हमें भैया भी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और उनका तो ऑफिस है, फटाफट खाया उन्होंने एक साथ दाल वाल डाल के और चले गए। और अब दो दो ऑफिस होते हैं ना, एक पबजी वाला, एक पबजी वाला और एक दूसरा ऑफिस। वो रात भर चल रहा है पबजी वाला ऑफिस। तो इनकी आदत है, पापा की आदत भी है, सोना फोन पकड़ देना हाथ में, एक बजे तक ले 12 बजे तक। अंकित भी आदत हुई है पबजी पे लग जाए चाहे जो मर्जी हो रहा है। हाँ वही तो कह रही हूँ। मम्मी का डे टू, फॉल चढ़ाने का डे टू, आज दूसरा दिन है मम्मी का। मम्मी कितना चढ़ा दिया था कल भाई? इसमें तो 10 दिन लग जाएंगे यार। 10 दिन लगाए कल। और मम्मी ने साथ साथ में प्रेमानंद भी चला रखा है और मम्मी यहाँ फॉल भी चढ़ा रही है। कितनी टैलेंटेड है यार हमारी मम्मी। और हाँ हमको तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते हम, बैठे हूँ बस मैं तो। सारा काम भी मम्मी करती है। हाँ मम्मी करती है, तभी तो मैं खाली बैठी हूँ यहाँ, खा रही हूँ रोटियाँ तोड़ रही हूँ मैं तो अपने ससुराल के बैठ बैठ के बैठ बैठ के रोटियाँ तोड़ रही हूँ। तो फॉल ये है, फॉल फॉल चढ़ रहा है। ये घंटा तो मेरे को लाओ, मैं लगा मैं करूँगी ना ये काम, मुझे दिया करो आप ये, मैं धागा वाला मैं कर दूँगी। मम्मी क्या कर रहे हो आप? बना रही हूँ खाना। क्या बना रहे हो आज? दाल बनी पड़ी है, चावल बना। अच्छा दाल बनी है। अच्छा ये वाली दाल बनी है हमारी दोस्तों, दाल बनी है हमारी, चावल बना। ये पीली दाल है, ये पीली दाल ये उसकी है, घिया चना। अच्छा ये ठीक है, तो अभी चावल बनेगा, बस चावल ही चावल खाएंगे हम। ये घिया डाल के तो कभी मैं खाती नहीं थी पहले घर में। तो दोस्तों अभी बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो ये सोच रहा हूँ जिस दिन तेज़ धूप लगी होती है ना तो रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी टाइम बज रहा है, अभी 1:30 बजने वाला है, तो अभी खाने की भी तैयारी हो रही है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, मतलब गर्मी इतनी लग रही है ना, तो रात में एसी ऑन करना ही पड़ता है हमें। तो बाकी मम्मी फॉल चढ़ा ले पूरा है मम्मी। ओ मम्मी फॉल चढ़ा लिया आपने पूरा, नीचे वाला साइड लग गया ऊपर वाला। अच्छा तो मम्मी ना फॉल चढ़ा रही है, डे टू था मम्मी का आज फॉल चढ़ाने का। अभी मुझे लग रहा है कम से कम इसमें दिन तो लगेंगे, मम्मी कह रही है 10 दिन लग जाएंगे, मैं 10 दिन तो नहीं मम्मी पहले कर लेगी, नीचे वाला 10 दिन में पूरा होएगा वही। हाँ तो ये रख लिया मम्मी ने चावल और मम्मी अब बना रही है। तो दोस्तों अभी लंच का टाइम हो चुका है और पता है आज ना राधाअष्टमी भी है और नंदाष्टमी है, पूरे देश में तो राधाअष्टमी के नाम से मनाते हैं आज। और जो हमारा कुमाऊँ, मुझे गढ़वाल के एरिया का पता नहीं है, पर जो हमारा कुमाऊँ एरिया है ना, जैसे अपना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे बागेश्वर में और इधर साइड में भवाली साइड, ये साइड में आज जो है नंदा देवी मेला जो होता है ना वो लगता है, मतलब उसे नंदाष्टमी बोलते हैं आज के दिन। तो आज ना वहाँ पे स्कूलों की भी छुट्टी होती है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी स्कूल है उनकी भी छुट्टी है सारे बच्चों की, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता कि गढ़वाल साइड में है कि नहीं है, वहाँ का कैसा है ये नहीं पता मुझे, वहाँ नंदाष्टमी मनाते नहीं मनाते, पर हमारे वहाँ मतलब हो रहा है ये कुमाऊँ में। तो आज बहुत बड़ा मेला लगता है और अल्मोड़ा में तो आपको पता है कि नंदा देवी का मंदिर भी है। तो चलो दोस्तों करते हैं लंच, और मम्मी रख रही है यहाँ पे लंच, तो गोप्रो से ही शूट कर रहा है आज हम सारा ब्लॉग। तो कैसा अगर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूले वीडियो को, और कमेंट करते रहा कीजिए। कमेंट से क्या पता लगता है कि कौन कौन, उन कमेंट में नाम आता है ना तो ऐसा पता लगता है कि कौन हमारी वीडियोस देख रहा है, तो वहाँ पर नाम आ जाता है तो अच्छा लगता है। फिर आप लोग कभी मिलते भी हो तो फिर पहचान आ जाता है कि हाँ ये कमेंट रोज़ आता था तो आप वो हो ऐसे हो, तो आप कमेंट करते रहिए ताकि पता लगे सके कि कौन कौन वीडियोस देखता है, तो ऐसे में अच्छा लगता है। हमें भी कमेंट आते हैं आप लोगों के तो पढ़ते हैं, सबका रिप्लाई करते हैं। तो चलो फिलहाल तो लंच करते हैं, आज तो मेरा बहुत ज़्यादा काम आ रखा है ऑफिस का, तो जो ब्लॉगिंग है वो मम्मी और पीहू करेंगी आज ब्लॉगिंग। क्यों? मैं रोज ही करती हूँ। हाँ आज मम्मी आपसे आप करोगे ब्लॉगिंग, ठीक है?
आज मम्मी ऐसे ऐसे इसमें आप दिख रहे हो, अपने आपको देखो ना इसमें, यहाँ दिख रहे हो ना। हाँ, आप ऐसा ऐसे कैमरा रखो, आप बोलो। देखो दोस्तों, मैंने खाना बनाया अपने बच्चों के लिए, मैं खाना परोस रही हूँ। हाँ, दिखाओ खाना भी। ये है लंगर वाली थाली। अब ऐसे अपनी तरफ भी करो ना, ऐसे फिर जब बोले तो अपनी तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे घुमाओ। ये लंगर वाली थाली, ये खाना परोस रही हूँ अपने बच्चों को। मम्मी ये फुल ब्लॉगिंग कर रही है आज। हाँ। आज मैं खुद ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरा बच्चा आ रहा है वहाँ से। इंगुल ऐसे ऐसे पकड़ो सामने से। अभी शाम की 6 बज रहे हैं। हाँ। मेरी बहू काट रही है सब्जी। सब्जी की तैयारी चल रही है। आज हम बना रहे हैं आलू और बीन्स की सब्जी। और तो आज हमारी मम्मी का ब्लॉगर बन गई है, फुल मम्मी के ब्लॉगिंग सिखाएंगे। तो मम्मी का भी चैनल, कभी मम्मी कर देगी तब मेरा भी चैनल खोलेंगे। ठीक है, तब मेरा भी चैनल देखना, मेरी बहू बनाएगी। लाइक कमेंट करना। ये मम्मी सही सही घुमा रही है भाई कैमरा। तो मम्मी की रेसिपी वाला, जैसे हम गाँव में जाएंगे ना कभी, तो मम्मी यहाँ बनाएगी वीडियो। क्यों यहाँ बनाएगी, तब इनके लिए मैं गाँव भेजूंगी। मम्मी सही घुमा दे रही फूल एकदम से बढ़िया। और कैसे लग रहा है मम्मी ब्लॉगिंग करके? फिर बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है अपने आपको वहाँ पे। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर वो मस्त मस्त ब्लॉग बनाएगी मम्मी। मस्त है ना? और क्या, सब बन जाएंगे ब्लॉग। तो दोस्तों को बताओ, दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग कैसे लग रही है कमेंट करके बताओ। दोस्तों मेरी ब्लॉग कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। लाइक भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों अभी मेरा ऑफिस खत्म हो गया है और मैं नहा भी लिया हूँ। आपको बताइए, मैं ऑफिस खत्म होने के बाद नहाता हूँ, आज काम बहुत ज्यादा था। तो चलो डैडी भी आ गए ऑफिस से और डिनर करते हैं। यहाँ से लाइट जला देते हैं। ये देखो जी, हमारी मंडली बैठ गई खाना खाने। ये आपको पता, आज मम्मी ने ब्लॉग बनाया सारा। मतलब मम्मी ब्लॉगर बन गई, मम्मी भी अब कल दिखेगा। तो हमारी मम्मी भी ब्लॉगर बन गई भैया। तो चलो दोस्तों करते हैं डिनर। और गाँव में ना इतने काले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं गाँव में काले, जबकि वहाँ अच्छा होता है ना। अब यहाँ आके थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, सही थोड़े थोड़े गोरे लग रहे हैं अब, नहीं तो गाँव में इतने काले हो जाते हैं पता नहीं चलता कैसा होता है यार। जबकि वहाँ ठंड होता है, अच्छा होता है मौसम, ठंड में ही तो काले होते हैं। पानी हार्ड होता है, पानी भी हार्ड होता है। और वहाँ मेरे को धूप ना वहाँ डायरेक्ट पड़ती है ना, वहाँ सफाई होती है, धूप ना इतनी वो नहीं होती, यहाँ तो कम आती धूप ऐसा। चलो कोई नहीं, चलो करते हैं अब डिनर जल्दी जल्दी। तो दोस्तों डिनर करते हैं और वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड, टिल द एंड, बाय।